हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आएगी उसकी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके वीडियो में बताने वाली हूँ एक आईब्रो पेंसिल के बारे में जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और जो भी न्यू बिगनर्स है वो इससे जो है अपनी आईब्रो पेंसिल पर ट्राई कर सकते हैं। अगर वो फिर उनको शेप बनाना आ जाएगा तो फिर जो है वो अपने हिसाब से अपने जो है कंपनी का कोई भी ब्रांड का आप अपना आईब्रो पेंसिल चूज़ कर सकते हैं या आईब्रो जेल कुछ भी। ये आईब्रो पेंसिल है स्विस ब्यूटी की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा स्विस ब्यूटी की, ये है आईब्रो पेंसिल। और ये जो मैं इसलिए इसको यूज़ करती हूँ कि क्योंकि मैं ये इसे ईज़िली भी यूज़ कर लेती हूँ और ये ईज़िली ब्लेंड भी हो जाती है तो ये मुझे बहुत ईजी पड़ती है। तो अब तो इससे लगाते लगाते मैं बहुत अच्छे से अपनी आईब्रो को शेप दे लेती हूँ तो ये जो है मुझे ईजी पड़ती है और ये बहुत जल्दी जो है अप्लाई भी हो जाती है। और मतलब जैसे आपको कहीं जाना हो तो ये बहुत ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा सी नज़र नहीं आती है। तो ये देख सकते हैं, इस पे लिखा आईब्रो पेंसिल और ये है सॉफ्ट वाटरप्रूफ। देख सकते हैं ये वाटरप्रूफ भी है और स्मज प्रूफ भी है और ईजिली अप्लाई भी हो जाती है। ये मैंने जो है नायका से बाई किया था, ये मुझे ओनली 50 रुपीज़ में पड़ी थी। नायका में सेल भी चलती रहती है, आप उससे भी जो है बाय कर सकते हैं, सेल से भी आपको और कम प्राइस में भी मिल जाएगी। और ये जो है बहुत ईजिली अप्लाई हो जाती है। और मैं इसका शेड बताती हूँ कि इसका शेड क्या है। इसका शेड देखिए, ये है 102 डार्क ब्राउन, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ 102 डार्क ब्राउन। और इसका नेट वेट है 1.8 ग्राम। मतलब आप जितनी बार भी अप्लाई करते जाएंगे ये जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आप जो है इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फेयर स्किन है तो आप जो है 102 जो मैं यूज़ करती हूँ डार्क ब्राउन फेयर किया। जैसे व्हाइटिश स्किन भी आपकी है तो अभी आप क्योंकि आप जो है अगर अपने उस पर जो है डार्क कलर लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा पता चलेगी, इसलिए अपने आईब्रो से लाइट कलर लिया करें हमेशा। और जैसे और जिनकी और भी मतलब डार्क स्किन होती है तो वो जो है आप जो है 103 ग्रे कलर आता है, डार्क ग्रे कलर आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं बताऊँ, ये बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे से इस वो हो जाती है, अप्लाई हो जाती है और आपको जो है एक्स्ट्रा से पता भी नहीं चलती है। और ये इसका ब्रश है, ये ब्रश तो सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड सा ब्रश है। और ये ब्रश जो है जो आपके एक्स्ट्रा जो लग जाता है आईब्रो पे पेंसिल तो उसको बहुत ईजली जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो ये आईब्रो के लिए ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने हाथों पे। ये देखिए, मैंने पहले भी ट्राई किया था दिखाने के लिए, तो ये देखिए ये बहुत लाइट सा कलर है, आपको एक्स्ट्रा पता नहीं चलेगा। और जहाँ भी आपके आईब्रो में गैप है या जैसे आपको शेप देना है तो आप दे लेंगे तो वो पता भी नहीं चलती। ये बहुत अच्छा कलर है। और मैं इसको देखिए, इसको ब्लेंड करके ब्रश से दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ही जब इतना अच्छा ब्लेंड हो जाता है तो सोचिए आईब्रो पे ये कितना अच्छा वर्क करता होगा। ये देखिए आप, ये देखिए बहुत लाइट सा हो जाता है और आईब्रो बहुत अच्छे से फिल सी नज़र आती है। और लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपने आईब्रो पेंसिल यूज़ की है, मतलब कहीं से एक लाइन दिख गई तो वो पता चलेगा, वरना जैसे आपने आईब्रो के बीच में ही कहीं फिल कर लिया तो आप वो पता भी नहीं चलेगा, आपके आईब्रो जो है बहुत घनी घनी सी और भरी भरी सी लगेगी। ये देखिए इसका ब्रश कितना अच्छा है, ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। आप भी डेली यूज़ के लिए कोई अच्छी आईब्रो पेंसिल ढूंढ रहे हैं तो स्विस ब्यूटी की मैं ये कहूँगी, आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर वो करें। और ये वाटरप्रूफ है, पानी भी वो होगा तो आपके आईब्रो से पता ही नहीं चलेगा, वो वैसे ही फिल रहेगी जब तक इसे आप या किसी वो कहते सोप से या फेस वॉश से वॉश नहीं करेंगे तब तक ये जो है साफ़ नहीं होगी। तो ये मत सोचिए कि मतलब जैसे वाटरप्रूफ है पानी पड़ा तो ये बह जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और इसका शेड मैं आपको फिर से बता दूँ, 102 डार्क ब्राउन। तो ये आप जो है व्हाइटिश स्किन या फेयर स्किन है तो आप इसको यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा वो लुक देता है। और कलर मतलब ये एकदम जैसे आपके फेस ही के लिए बनी हुई है। और जिसकी भी जैसे थोड़ा डार्क कलर है तो वो 103 डार्क ग्रे कलर लेगा, उस मतलब आईब्रो से एकदम ब्लैक नहीं लेना चाहिए, ब्लैक कलर जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पता चलती है ब्लैक ब्लैक से आईब्रो, तो हमेशा अपनी आईब्रो से लाइट कलर लीजिए। और अगर आप सोचेंगे कि इसमें शार्पनर नहीं है, ना हाँ इसमें शार्पनर नहीं मिलता है, इसको जो है आपको अलग से शार्पनर जो है बाय करना रहता है। तो इसके साथ इसमें शार्पनर नहीं, किसी किसी में शार्पनर आता है मगर इसमें शार्पनर नहीं है।
इसे डेली यूज़ के लिए बहुत मतलब डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं नायका से। नायका में अगर ऑफ़र चल रहा हो पिंक, जैसे पिंक फ्राइडे सेल चलती है या कोई और सेल चलती है, तो आप उससे भी इसको बाय कर सकते हैं, या आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। मैंने बिना सेल के लिया था इसलिए मुझे जो है 50 रुपीज़ की पड़ी थी। तो नायका से ये रहता है कि नायका में जो है चीज़ जो है ओरिजिनल मिलती है, तो इसलिए मैं हमेशा नायका से ही चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। और बाहर भी आपको इजीली मिल जाएगी, हो सकता है कि बाहर आपको और भी कम दाम पे मिल जाए, क्योंकि मैंने तो बाहर से ख़रीदा नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत अच्छी है डेली यूज़ के लिए और इजीली ब्लेंड हो जाती है, एक्स्ट्रा पता भी नहीं चलती है। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे ट्राई भी करिएगा मेरे लिए ये, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगी। और जो भी पूछना है आप कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं।